आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड डब्ल्यूबी बाय हिमानी पावर्ड बाय शू। जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में आज मैचेस की हद तक एक वक्फा था, कल से दोबारा मैचेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन एक बहुत अच्छी खबर यह है और अल्लाह करे कि यह सिलसिला बेहतर से बेहतरीन होता चला जाए कि NCOC जो कि वो इदारा है जो कि कोरोना से मुतालिक SOPs के सारे उमूर देखता है, उसने अपनी तमाम तर गाइडलाइंस को रिविजिट किया है और PSL से मुतालिक उसमें खबर यह है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी मैचेस होंगे, आप सब जानते हैं कि सिर्फ 20% क्राउड अलाउड था, लेकिन अब हालात अल्हम्दुलिल्लाह निस्बतन कुछ बेहतर हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एहतियात छोड़ दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, तो 20% के बजाय 50% ग्राउंड आबाद हुआ करेगा, 50% आवाम मौजूद होगी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में। यही नहीं बल्कि इंशाल्लाह अगर मामला बेहतर चलते रहे, जो कि हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो इंशाल्लाह प्लेऑफ्स में और PSL के फाइनल में और प्लेऑफ्स के तमाम तर मैचेस में पूरा का पूरा ग्राउंड यानी कि 100% ऑडियंस अलाउड होगी, तो इंशाल्लाह हम ज्यादा रौनकों के साथ PSL का ये मेला देखेंगे। इस पर और PSL की दीगर उमूर पर बात करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से, लेकिन हमारे आज के मेहमानान का तारुफ, बहुत ही ख़तरनाक, शोख, चंचल, हाजिर दिमाग, हाजिर जवाब और कई चीज़ों के पाइनियर्स हैं पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में ये दो अफराद। आपने इन्हें ऑन स्क्रीन भी देखा है और ऑफ स्क्रीन भी अपने जौहर दिखाते रहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्ट्रीट शोज़ हों, एक्टिंग का मामला हो, प्रोडक्शन का मामला हो, इंटरनेट पर कोई एक मशहूर और मकबूल सीरीज़ हो, यानी हर हवाले से इन्होंने बहुत सारा हिस्सा डाला है और आपने इनको बहुत पसंद किया है। हमारे आज के दोनों मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा कि हमारे साथ मौजूद हैं असफर एंड मानी साहब। सर सामने सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप दोनों? को साथ देखे मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े से बात साथ देखा है किसी शो में, टेलीविजन शो में बहुत अरसे बाद आया। रियली? हां बहुत अरसे बाद, कोई तकरीबन 2 साल बाद 3 साल बाद। ज्यादा ज्यादा ज्यादा। वैसे तो हम जा ही नहीं रहे टीवी शोज में, तो बचे ही 3-4 तो बच गए मेरे ख्याल में। 2 बज गए हैं, एक आपका होता है सीजनल शो होता है, वो तो रात को आप फिर वो उसी मंजन को बेचते हैं 11 बजे के बाद। सही जगह पे आए हो आज, सही जगह आए हो। सही जगह है ना, सही जगह पे आए हो। राशि भाई क्या है? अरे राशि भाई, लेकिन अरे राशिद अदीब और मानी को एक साथ देख के कुछ याद आया। टाइम गलत है भाई, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की दो पार्टियों ने आपस में गुस्सा कर लिया है, बड़े अरसे बाद दोनों पार्टियां खत्म हो गई। राशिद भाई वो एक लाइन तो बोलते जरा मानी को, क्या आपने कही? मानी बेटा, मानी बेटा बोले 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 ना बोले जरा मानी बेटा क्या कर मुखा वो इतना ही उसके आगे वाला तो सेंसर हो जाए, उससे आगे वाला तो आप बोलेंगे तो सेंसर हो जाए, बाकी आप लोग बोलिएगा, बाकी हम दिल में आप मानी बेटा। एकदम से ऐसा लगा कि लंदन से फोन कॉल आई है। समझ वैसे उसके बाद कोई आप लोगों का बाकायदा रहा हुआ? हाँ, मानी बेटा के बाद, बल्कि मैं मुझे याद है यूनुस का जब वो आखिरी फेवल था, तो राशिद भाई ने इस वक्त तो बकायदा जो है वो बताया कि भाई हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हमारी वैसे भी बैठक है। मैं तो हर एक दिल में नहीं रखता, मिलता हूँ मुंह पे ले आता हूँ मैं, ये डर के मिलते थे। अच्छा नहीं, आप बैठ भी तो इस्लामाबाद गए और नंबर भी चेंज कर लिया, व्हाट्सएप भी नहीं आपके पास, तो हेडक्वार्टर है अच्छा, व्हाट्सएप पे तो ले आए हेडक्वार्टर में, ब्लॉक हेडक्वार्टर में। ख्याल कर वफाक हो गए, वफाक हो गए, ख्याल कर आप भी वफाक हो गए। चलो ये अच्छा हो गया, आप भी वफाक हो गए। अच्छा ये अच्छा हो गया, आज दारुल हुकूमत ये है, दारुल खिलाफा वो है। वाह वाह वाह, समझ नहीं आया। वाह वाह, अच्छा वसीम भाई ये अच्छा हो गया, इमाम उल हक पर मेरी जान छूट गई आज। हाँ कुछ और, कुछ और आज के, कल आएंगे दोबारा ले आएंगे, इमाम को भी ले आएंगे, वो कल आ जाएगा खुद ब खुद। देखो नहीं, इन दोनों के साथ बहुत काम किया, मैं और यूनुस है, ये रेडियो पे नए नए आए थे जब, बहुत पुरानी बात है, मैं बड़ा सुनता हूँ अकबर और मानी के साथ रेडियो पे, और इन्होंने काफी चेंज किया रेडियो को, चेंज करने में अगर पाकिस्तान में इन दोनों का, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें इससे पहले नहीं हुई जो इन्होंने की है, ये क्रेडिट है, बहुत सारी तालियां हमारे दोनों मेहमानों के लिए, और करेंगे हम तफसीली बात भी करेंगे, गपशप भी करेंगे। सर ये अच्छी खबर है वैसे, ऑफ कोर्स ये NCOC 50% क्राउड होगा? नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा सर, टिकटें तो हम से ही मांगते हैं ना ये लोग, यार ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है, बड़ा मुश्किल काम है भाई ये, ऑन एयर मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ और खुद भी कह रहा हूँ, भाई आप जान मांग ले, टिकट ना मांगे, टिकट ना मांगे, टिकट मांग के, यहाँ एक बोर्ड लगाओ, टिकट मांग के शर्मिंदा ना करें,
सर बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं ऑलरेडी, अब पीसीबी हमें और करना चाह रहा है। सुना है एक और खबर भी है कि वैक्सीन लगा रहे हैं, सुना वो आते हुए जितने भी लोग आएंगे, जी जी 50% लोग आएंगे उनको वो वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन लग रही है, वो करीबी है ना, वो दो हॉस्पिटल तो करीबी है, इंजेक्शन में पानी लगाया उन्होंने, वो चाइना में हुआ है भाई, हुआ है। लेकिन चले अल्लाह के, जरा मैं चाहता हूँ जरा पॉइंट टेबल भी देख लें, क्योंकि कल से दोबारा मैच शुरू हो रहे हैं। मेरा ही पॉइंट टेबल रहता है अभी। आपका पॉइंट, आपका तो 100% रिजल्ट है भाई पॉइंट टेबल का। जनाब तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की जबरदस्त और हैरत अंगेज तौर पर कामयाब तरीन टीम है लाहौर कलंदर, जिसने दो मैच खेल के दोनों जीते। क्या बात है भाई, वाह 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 जबरदस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी रन रेट लाहौर से कम है, लेकिन पॉइंट्स के एतबार से लाहौर के बराबर है, दो में से दोनों मैच जीते हैं। कराची और पेशावर ने दो में से एक जीता एक हारा, जबकि मुल्तान सुल्तान और हैरतअंगेज तौर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी इस वक्त पीएसएल की दो नाकाम तरीन टीमें हैं, जिन्होंने दो मैच खेल के दोनों मैचेस हार दिए हैं। सर तबसरा फरमाइए इस पॉइंट टेबल में। तबसरा क्वेटा ग्लैडिएटर में बनता है क्योंकि उनका जो नेट रन रेट है वो -2 में जा रहा है, सबसे कम, मतलब कम से भी बहुत कम है। अगर ये इक्वल हो भी जाए वैसे ही बाहर हो जाएंगे, तो इनको आगे के मैचेस जीतना हर को जरूरी है, लेकिन क्वेटा को वापस आने के लिए, पेशावर अभी से क्वेटा अभी से थोड़ा सा डेंजर जोन में आ गया, आ गया पहले ही से आ गया, क्योंकि -0.- बहुत ज्यादा है, बहुत ही कम है। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, सरफराज ने मतलब ये मुझे थोड़ा, आप तो टेक्निकल आदमी है, ये लेग स्पिनर को क्यों नहीं करवाई बाद में, और नवाज से बॉलिंग भी नहीं करवाई, उनके 3 ओवर थे, नवाज के 2 ओवर थे, लेग स्पिनर का 1 ओवर था, दिलेर कैप्टन तो वो होता है क्या, बैट्समैन भूल गया, बैट्समैन कौन था, बैट्समैन तो वो दोनों भी थे जो मारे था, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर पे उस बैट्समैन का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, नवाज ने 2 ओवर में 12 रन दिए हुए थे, उसके बाद मजीद बॉलिंग नहीं करवाई, नहीं करवाई। और तनवीर में लाहौर कलंदर कमाल, दो मैचेस दोनों, अब राशिद खान वापस चले गए, वैसे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा ना पिछले, फिर उसके बाद कंटिन्यू परफॉर्मेंस रखी उन्होंने, अच्छा खेल रही है राशिद खान, ठीक है नहीं है सही है, लेकिन कितना बड़ा झटका लगेगा, 4 वर्ष का फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि राशिद भाई ने तो अपना मोस्ट ट्रस्टेड प्लेयर राशिद खान को बताया था, बहुत और ऐसा हुआ भी था, मतलब वापस जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा इनको, अच्छा बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उनकी बैटिंग भी बड़ी तगड़ी है। क्रिस गेल जा रहे हैं, आएंगे वापस भी आएंगे, लेकिन आएंगे, लेकिन कोयटा का वैसे ही बुरा हाल है, फिर क्रिस गेल भी चले गए, तो ये कोयटा के लिए एक और बुरी खबर है, जाहिर सी बात है बहुत बुरी खबर है। और फिर मैं एक बात करूंगा, वो क्या, इमाम उलक से बता ले, नहीं इमाम उलक नहीं, मैं तो इमाम उलक के बारे में जब भी तनवीर माहौल बनाते ना किसी बात का, मैं समझता हूँ इमाम उलक की खैर नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा ये अच्छा हो जाएगा अगर कल वो रन करते, हर मैच में रन करता है, हमारे लिए तो बहुत ही, हाँ करते हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, पिछले मैच में रन नहीं किया था, अपने लिए खेला था, फिर बोल दिया मैंने, मैच कौन जीता, मैच तो जल्दी जीता, उसकी मैच जीती ना, नीचे के लड़कों की मेहरबानी थी ना, उन्होंने जितवाया मैच, नीचे वालों को ऊपर क्यों नहीं भेज देते, ऊपर आउट हो जाते हैं ना, हरवा देते हैं वो लोग, इमाम है एक, अच्छा देखिए नीचे वाले ऊपर जाते हैं वो आउट हो जाते हैं, ऊपर वाले जो खेलते हैं वो अपने लिए खेलते हैं, बहुत ऊपर जाएगा, कौन जाएगा ऊपर बता दे, मैं तो जा ही नहीं सकता। ऐसे में शाहिद खान आफरीदी ने एक मासूमाना सवाल उठाया है, क्या वो शाहिद आफरीदी ने एक ट्वीट किया है जरा इसका, अब ऐसे की सही है वो गलत, सही है मुझे सही लगी, हमें भी ट्वीट दिखाया जरा शाहिद आफरीदी का, हां वो शाहिद खान आफरीदी ने आईसीसी से पूछा, डियर आईसीसी वंडरिंग Why the umpires are not allowed to hold bowlers cap even though they are in the same bubble as the players management and even shake hands at the end of the game. बिल्कुल सही है। बार क्या गलत है? Umpire ball नहीं पकड़ सक, cap नहीं पकड़ पा रहा bowler की, कोरोना SOPs हैं। वो umpire आखिर में हाथ मिला रहा है, उसी bubble में भी over का ball पकड़ लेता है। Ball भी पकड़ रहा है। हाँ सब ले जाता है। फिर catch पकड़ता है। तो ये क्या है? क्या? क्या ये खुला तजाद नहीं? शाहिद की ट्वीट नहीं है, मैं बता रहा हूँ किसी और ने लिखी है और से कैसे बता रहा हूँ, इंग्लिश अंग्रेजी जो है उसकी इतनी करेक्ट अंग्रेजी है, ठीक है बात सही है ना, वैसे सही है, बिल्कुल सही बात, टोपी नहीं पहना सकते भाई, बात ये है कि उसका हाथ उसकी मर्जी, वो जो मर्जी पकड़े ना पकड़े, मेरा हाथ मेरी मर्जी, बिल्कुल ऐसी और ज्यादा है ये बात, लेकिन हाँ खबरदार वापस गलत बात, लाहौर अच्छा आप ये भी तो देखें कि मुल्तान और जो क्वेटा की टीम है वो कोई मैच नहीं जीती, दोनों के दो मैच है कल, अब दोनों को जीतना तो चाहिए ना, जितना चाहिए सही बात, दिखाएं जनाब लाहौर कलंदर के प्लेयर क्या कह रहे हैं जरा बताएं, दिखाएं जी इस दफा कौन जीतेगा बाबा जी, लाहौर लाहौर बड़े भाई वाह फॉर्म में नजर आ रहे हैं भाई लाहौर, ये तो नहीं आया अभी तक फॉर्म में भाई, मैं चाहता हूँ जरा कल के दो मैचेस की मेरा हाथ का प्रेडिक्शन तो हो जाए ना, फिर आज के मेहमान हो जो दीगर मेहमान आए हैं उनसे ही बात करें, खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो, हमारे पॉइंट टेबल की सूरत हाल क्या है, 4 और 3 है ना, 4 पॉइंट्स हैं डॉक्टर साहब पे दिखा दें और 3 पॉइंट्स हैं मेरे, कल जनाब दो मैचेस होने वाले हैं, असफर भाई मानी भाई इस वक्त डॉक्टर साहब जीत रहे हैं, मुझसे प्रेडिक्शंस अच्छा, देते हैं और हम भी प्रेडिक्शंस देते हैं, तो उनके 4 पॉइंट्स हैं हमारे 3 पॉइंट्स हैं, डॉक्टर साहब लाहौर वर्सेस, एक बात पता चली वैसे मुझे जी, मुझे एक चीज़ देखी है मैंने, और ये राशिद भाई भी जरा मुँह छुपा रहे हैं अपना
ये आप प्रिडिक्शन जो है ये राशिद भाई से आइडिया लेके क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हैं? ये किसी ने पहले बताई है या अभी बताई है? ये मुझे पता लग गई शो से पहले ये बात। राशिद भाई की तो एंडिंग भी पता होती है टूर्नामेंट की। हाँ, ये राशिद भाई का रिजल्ट 100% है। सारी प्रिडिक्शन सही हो रही है। एक्टिंग पकड़ते हैं आप प्लेयर्स की और कोचेस की कभी कभी? नहीं, जो खिला रहा है उसको पकड़ना होता है। उसको पकड़ना होता है। अच्छा, मैं कुछ आजकल वो पीछे जो आपका फॉर्मूला था ना वो अप्लाई करता हूँ कभी कभी। ये कभी पीछे मैं देख रहा हूँ कितना कमाया। कमाया नहीं, कमाते जब कमा लेते हैं जब थे। जब भाई तीन गिरफ्तार हो गए उस चक्कर में। शरीफ लोगों के साथ रहे सारी जिंदगी, राशिद भाई, यूनुस खान। आप इनसे क्यों हेल्प ले रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि राशिद भाई मेरे फेवरेट है, तनवीर भाई मेरे फेवरेट है, बासित भाई मेरे फेवरेट है। अच्छा, ये वैसे आपको रिपोर्ट किसी ने गलत दी है। अच्छा, इनकी टीम और है। अच्छा, कौन है वो? कौन है? हमारी टीम और है जिसको हमने पिक किया, वो इनकी टीम और। अच्छा, है। ये सारे आपके फेवरेट हैं तो मैं फेवरेट नहीं हूँ आपका? आपको एक और पॉइंट से भी बनाया वैसे हमने वो राशिद भाई और तनवीर। ऐसा लग रहा है जेब काट ले इसमें से। मेरी बातों को गुरूर बना दिया जाता है। अच्छा, सच्ची बातें होती है ना, लगती है जाके सीधा यहाँ। लेकिन इसका बताया ना, नहीं तो इसमें से एक पॉइंट आपने खराब करवाया मेरा। मैंने खराब कराया और क्या? चलो, पांच होते मेरे। मैंने क्या, मैंने आपके मुंह में जबान दी क्या? नहीं, मैंने 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 एक मैच में सेम बात की, आपने बोला नहीं। मैंने बोला चले कोयटा कह देता हूँ। कराची वाले मैच पे किसकी प्रेडिक्शन क्या थी कल वाले मैच की? कल इस्लामाबाद। चलो भाई डॉक्टर साहब बताएं भाई प्रेडिक्शन बताएं, मेहमानों से बात करें। लाहौर वर्सेस मुल्तान कौन जीतेगा आपके ख्याल में? मुल्तान। मुल्तान। और पेशावर वर्सेस कोयटा कौन जीतेगा आपके ख्याल में? पेशावर जल्मी। ओए ओए ओए। अब मेरा ख्याल है दूसरा मैच तो मुझे भी लगता है पेशावर जीत जाएगा, लेकिन पहला मैच मुझे लग रहा है कि लाहौर कल अपना तीसरा मैच जीत जाएगा, यानी मुल्तान को हरा देगा। अब देखते हैं क्या होता है। सर ये कौन? बिल्कुल बिल्कुल सर, असल में हुआ ये कि मैं बड़े दिन से न्यूज पे अब आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, सही है, तो मुझे किसी ऐसे नाम के साथ इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए जिसको न्यूज का बड़ा पता हो। तो सर मेरे जो बॉस है इनको खुशखबरी देने का बड़ा शौक है, तो इसलिए मैं इनको आपके सामने लेके आया हूँ। आप लोग की भरपूर तालियों में हम दावत देते हैं कामरान खान को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये मेरे इंटर्नी है। अच्छा, मेरे माशाल्लाह ओवर वेट इंटर्नी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक मुझे कामरान अकमल कहते रहे हैं ये। शुक्र है जी ने मेरा लाभ ठीक लिया। कैसे हैं आप वसी? अब अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कुछ बहुत जोर की खुशखबरी आई हुई है, मैं वो कर खवातीन हजरात दिन भर की अहम तरीन तबसरों तजियों और खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान कामरान खान। वसीम भाई आपके पास चने हैं एक पाव? चने क्यों, क्या करना आपने? वो घोड़े के खाने का टाइम हो गया। घोड़े का इनका स्टाइल है। तभी से बात करो, तभी से बात करो। ये एक पाव चने में दो घंटे का शो कर लेते हैं। हाँ, अच्छी माइलेज। खुशखबरी सर, खुशखबरी। जी जी। ख्वातीन हजरात, आज का दिन सियासी लिहाज से एक जबरदस्त दिन है। आज के दिन ख्वातीन हजरात बड़ी खुशखबरी आई है डस्का से। जी हाँ, डस्का से खबर आई है। हुकूमत के लिए आज फखर का दिन है। फखर का दिन इसलिए है क्योंकि हुकूमती वक्फ कामयाब हो गया। कामयाब हो गया, हुकूमत का सर फखर से बुलंद हो गया। क्या क्या सर, हुकूमत ने कहा था कि 20 हलकों पर रीपोलिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा पूरे हल्के में रीपोलिंग होगी, पूरे हल्के में। आप इसमें भी हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। हल्के में कितने पोलिंग स्टेशन थे? 360 पोलिंग स्टेशन थे। 20,000 होते 360। 360 तो 360 का मतलब है हुकूमत जीत गई। बहुत जबरदस्ती आपने कर दिया है। देखो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चौके बाद हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौकफ उठाया है और उस पर मजबूती से खड़ा हुआ है, जिसके बाद हुकूमत का सर फख्र से बुलंद हो गया है। दूसरी खुशखबरी की जानिब चलते हैं। एक और मैंने कहा ज्यादा आई हुई है आज, बड़ी पहले था अजब करप्शन की गजब कहानी, अब ये हो गया शुरू। अब सॉफ्टवेयर अपडेट और बड़ी खुशखबरी साथ आ रहा हूं। गुजर नाला, खवातीन हजरात, गुजर नाला सितारों का मोहताज नहीं है, बारिशों में उबलता है कराची डूब जाता है। गुजर नाले में दूध की लहर दरियाफ्त हुई है। खवातीन हजरात, बच्चे लप्पा डुक्की करे शपट शपट पी रहे हैं और उसके बाद न सिर्फ ये कि वहां के इलाका बकीरों में खुशी की लहर दौड़ गई है,
सिंध हुकूमत क्या कर रही है, हजारों लीटर दूध जाया हो रहा है। खवातीन आज रात बड़ी खुशखबरी है, सिंध हुकूमत को रगड़ दिया और विफाक को। सर मैं आपको बताऊं उस्ताद एक बात भूल रहे, दूध की नहर जो बह रही है उसके अंदर 500 के नोट, मोटरसाइकिलें और कल सुना फाद मुस्तफा भी निकला है उसमें। शाबाश, इतनी मुस्बत रिपोर्टिंग सर, मुस्बत रिपोर्टिंग का बेताज बादशाह है ये मेरा एंटरटेनर। इतने पैसों को करते क्या आप, इतने पैसों को जो आपको मिलते हैं, इतने पैसे हैं। खुशखबरी आई हुई है, बहुत जोर की आई हुई है, खुशखबरी है खातिर हजरात, एक और बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी फख्र पाकिस्तान, क्रिस हेनरी गेल शलवार में नाड़ा डालना सीख गए हैं, वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो गई है और पूरे मुल्क में नाड़ा आ आ आ ज़ालिमा क्या है, मैं फंस गई आ आ आ, आ। इसकी सबकी आवाजें आ रही है। और उस्ताद आप एक बात और भूल रहे हैं, हाँ। कि कह रहे हैं कि क्रिस गेल को अगर इसी तरह गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, हाँ। तो अगले साल नेता यासिर का मॉर्निंग शो वो खुद कर रहा होगा, हाँ। क्या करेगा, शाबाश मस्बत रिपोर्टिंग, इतनी रिपोर्ट सर, बहुत मस्बत। एक बात और है सुना दे सर आपके, और खत्म हो गया, बताता चलो एक और इसी अच्छा। इस तरह अगर क्रिस हेनरी गेल अगर घर गृहस्थी के सारे गुण सीख गए तो अच्छी और सती सावित्री बहू की तरह पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर देंगे। एक और खुशखबरी, एक और खुशखबरी है, एक और खुशखबरी है कि हसन अली ने क्या डांस किया है, आए हाय 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 हाय, अरे आपने एक्सप्रेशन नहीं, कैसे 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 किया, बहुत ही उम्दा डांस किया है, टिकटॉक का चैलेंज था, हसन अली ने पूरा किया और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने सुख का सांस लिया है कि खुदा का शुक्र है कोई तुरंगी नहीं नजर आई, वरना कैरम बोर्ड पे गुजारा कर रहे थे वो सारे के सारे, बहुत खुशी है दौड़ी है हसन अली के डांस में। नहीं सर ये इस बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ आपकी, जो हसन अली क्या डांस करता होगा जो हमारे तनवीर भाई डांस करते हैं। आपको पता है पिछले साल का जो हरलमा पुरजोश था, हाँ? उसके आखिरी एपिसोड में उन्होंने डांस किया, सुबह 5:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ है। हाँ। और यार बात खत्म नहीं हो रही, अच्छा कोई एवी कोई टुच्चे गाने पे डांस नहीं किया, खानदानी अच्छा? गाने पे डांस किया, अच्छा किस पे? बिजली भरी है मेरे अंग और बहुत बहुत और मैं आपको बताऊं इन्होंने तब तक डांस किया जब तक उस बिजली से इनका ट्रांसफार्मर नहीं फट गया। अच्छा बात सुनो, नाचते रहे, मैं अकेला था उस डांस में। जी जी आप अकेले क्योंकि हम तो सामने बैठ के ये कर रहे थे। बहुत सर खुशखबरियां सर, यहाँ और भी खवातीन रोजरात, बड़ी खुशखबरी ये है कि आज गो के खवातीन मेहमान नहीं है लेकिन उसके बावजूद हाँ। आज तन्नो क्या लग रहे हैं, वाह 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 वाह, अमल ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता अमल। एक और बड़ी खुशखबरी है, एक और बड़ी खुशखबरी है, खवातीन रोजरात फेफड़ा थाम के बैठे, जिगर थाम ले, कलेजा काबू में कर ले, क्योंकि पाकिस्तानी शोबिस के दो जाने माने नाम जिन्होंने 18 साल पहले वो सारे काम कर लिए थे जो हम आज कर रहे हैं, खवातीन रोजरात किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे साथ मौजूद है अस्पर और बारी, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है सर, ये वो खबरें जो आप शाहदेव के शो शुरू होने से पहले देते हैं आधे घंटे पहले, उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है आप दोनों का। सवाल तो मेरा बनता है, सवाल तो मेरा बनता है, आ गई आ गई और खबर आ गई, आपने सारे काम किए, आपने एक्टिंग भी की, आपने रेडियो शोज भी किए, आप दोनों ने सारे शो सारे काम साथ किए, खासतौर पर आपने बारी एक्टिंग भी की, रेडियो शोज भी किए, प्रोडक्शन भी की, राइटिंग भी की, लेकिन उसके बावजूद आखिर में आपने आके मुस्तफा कमाल की बाहों में सांस क्यों लिया, क्या सच्चा प्यार नहीं मिला? सच्चा प्यार मिला है और मुझे पता है, मेरी आंखों में आके डाल के देखो बारी, मेरी कसम इमरान खान भी आ गया, पीछे म्यूजिक डाल दो, हमने कहा इमरान खान वो आ गया, हमने कहा मुस्तफा कमाल वो भी आएगा, अच्छा आएगा, बस आएगा, वो उसकी एज है 48 साल, अच्छा और खान साहब की एज कितनी, तकरीबन 67 साल, इससे बढ़ा लें थोड़ी सी, बहुत टाइम है यानी मुस्तफा भाई का टाइम है, लेकिन सर हमें ब्रेक की जाए थे समझना प्लीज, ब्रेक की जाए मेरे 5000 खुशखबरी और, मैं ब्रेक में सुन लेता हूं, मैं मानी भाई को खुशखबरी देना चाहता हूं, फिर मैं ब्रेक, हां क्योंकि ऐसे में मानी भाई जल्दी में आए तो उनको पता नहीं होगा, मानी भाई देखिए भाभी ने माशाल्लाह भी इतना हिट ड्रामा किया है, नहीं वो गाना भी हिट हुआ, नहीं नहीं अभी ड्रामे की खुशखबरी है ना, वो खुशखबरी है कि भाभी ने इतना मशहूर ड्रामा किया, मेरे पास तुम हो उसमें तो आप नहीं थे, लेकिन खुशखबरी ये है कि अब उसका सीक्वल बन रहा है, उसमें वो आपको कास्ट कर रहे हैं, अच्छा उसका नाम है मेरे पास तुम हो, ये वाला ये 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 अभी अभी स्टार्टर है ना, शाबाश सर, मेरा सर फखर से ब्रैकेट में दिया, ये जज्बात से फिल्म हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसी के सीन है सर के साथ, बस अब आप बस निमट ले रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, एक और असर बस सर मैं ब्रेक, भाई मानिए हमारे साथ बात करते हैं, आप देख रहे हैं कोका कोला हर ब्रेक में, ब्रेक में अरे खुशखबरी तो सुन,
आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड डब्ल्यूबी बाय हिमानी पावर्ड बाय शूब। हमारे जो दोनों मेहमान हैं, आई एम श्योर इनको बड़ा ट्रस्ट है एक दूसरे पर, और इतना ट्रस्ट तो मस्ट है। मासूमाना सवाल, एक बार फिर बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया। बहुत सालों बाद एक्चुअली बहुत। जरा मैं चाहता हूँ मासूमाना तस्वीर से अगर आगाज करें, फिर जरा गपशप लगाएंगे ना। ये भाई पहली तस्वीर दिखाए ना, इन दोनों में से किसी की तस्वीर दिखाए ना। कौन है? दीपू भाई। ये भी दीपू भाई जानते कौन है? सारे ही अपने हैं। सारे ही आप दिखा सकते हैं भाई पहली तस्वीर? ये गलती से जरा हमने वो कोई और तस्वीर जज्बाती हो गई। चलो छोड़ो टेक्निकल एरर, छोड़ो तस्वीरें छोड़ो। अच्छा जनाब, वैसे क्या रेडियो शो आप लोग करते थे? आजकल का के हालात उन रेडियो शो की ताब नहीं ला सकते? नहीं ला सकते, वो बर्दाश्त नहीं होगा, सेंसर होता रहेगा। इसलिए रेडियो शो का कोई याद है? हमारे पहले भी कैमरा ने 3 दफा बंद कर दिया था शो। लास्ट टाइम हमारा बंद हुआ था शो, कैमरा ने बंद कर दिया, बैन कर दिया था। अब आप लोग खोल ही नहीं रहे, पता है वो चल नहीं सकते ना। कैमरा और एक्टिव होगी ना मानी, अगर बोल नहीं सकते अब शो बंद नहीं होगा, तुम लोग बंद हो गए। कुछ भी हो सकते हैं, पहले बाकायदा राउंड की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अपने यॉकर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा आज मैंने सोचा था वो क्या, कि क्योंकि आप तो रोज ही खेल रही हैं पता नहीं कितने सालों से, तो पहले राउंड होगा बीमर राउंड जो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा पहले राउंड आपसे बीमर राउंड, उसमें तीन, क्योंकि दो बीमर अलाउड होती है, एक दो के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है, दो दो बॉलों के बाद। मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं, वो बॉस है हमारा। एक एक मैं दो के बीमर, तो दो सवाल, दो सवाल तालियां यार। इससे पहले आप आप चेक करें, वो बंदा मीडिया का आदमी बन चुका है, उसने पकड़ लिया, प्रोड्यूसर नहीं आगे आना उसने कहा भाई। ओके जी, बीमर राउंड में बीमर का मतलब भाई ये है? कैसे क्या, मैंने आपसे सवाल करने ये कार, एक काम करे, ये कार्ड इनको दे दें आप, मतलब नहीं वो इसमें इनके सवाल आते हैं ना इसमें। चले पहले चले आप करें, फिर मैं ये इस तरह कर लेते हैं। ये राउंड रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा। हाँ या ना में जवाब आपसे पहले साथ साथ, हम दोनों में ज्यादा कंजूस मैं हूँ? मैं नहीं हूँ। ये भी नहीं है भाई, ज्यादा कोई लोग है सब खर्च कर देते हैं, तो आपका सुराख है, कोई चक्कर ही नहीं है। असर भाई हम दोनों में ज्यादा दिल फेंक ये अच्छा खुद मान भी रहे हो? अच्छा यानी झूठ बोलने का सीन ही नहीं है भाई। मैं समझा कि मैं वाकई नहीं 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 माई नहीं माई मेरी तो ये सब बदनाम है। मैं नहीं बदनाम है, अच्छा है तो बेचारा शरीफ आदमी। मैं तो हां मुंडा शरीफ है, मुंडा शरीफ है। बताऊँ तुझे बात क्या मानी, अटेंशन स्पैन जो है ना वो एक बम्बल भी गए, अभी यहाँ है, यहाँ पर अभी वहाँ जाएगा तो भूल जाएगा यहाँ क्या हुआ। अच्छा ऐसा वाला सीन, अब इसकी लड़की कहाँ रुकेगी यार। मानी आपसे सवाल, शादी में मैंने जरा जल्दी कर ली? नहीं बहुत सही टाइम पे शादी की, क्योंकि मेरे बराबर के लड़के जो बाद में उनके बच्चे हो गए थे, उनके मतलब मेरे बच्चे बड़े हो गए, वो अब हमारे आजकल पाकिस्तान में मानी आजकल पाकिस्तान में कोई एक भी मयारी कॉमेडियन नहीं है। हाँ ना नहीं है, बहुत से लोग हैं। आपकी नजर में कौन है सबसे ज्यादा मयारी? ताबिश हाशमी। हाँ बाकी बहुत अच्छा जबरदस्त भाई ताबिश भाई, क्या बात है। मानी इमरान खान ने मायूस किया? शदीद मैं तो बड़ा सपोर्टर था और मैंने तो बड़ा खुल के, अब आप सपोर्टर नहीं रहे, वो और मैं इसी चक्कर में तो लड़ पड़े थे। हाँ लेकिन वो ना उनकी पार्टी रही ना हमारी पार्टी रही। नहीं नहीं फोन खोल के देख लो है, फोन खोल के देख लो। क्या मतलब? अरे इनका फोन खोल के देख लो, इनके हाथ में जो फोन, वो कह रहे हैं अपना देख लो। अच्छा फोन पे क्या चल रहे हैं यार? वैसे एक बार मुझे याद है, मुझे याद है फोन में दोबारा राशि भाई, लास्ट एक शो किया इलेक्शन आखिरी एमक्यूएम सारे जीत गई थी, एक सीट पीटीआई जीती हुई थी, सही है, उस पर एक बाय इलेक्शन था या पता नहीं 20-30 हल्के ही थे, ठीक है, एक शो हमने इनके साथ किया था। हाँ याद है मुझे, उसमें इकरार और इनको बुलवा लिया था वहाँ पे। हाँ। मुझे पता लगा वो एक और था। मुस्तफा कमाल एक दिन पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, वजीर आजम नहीं लेकिन मुझे मेरा शहर से मतलब है, तो मेरा शहर अच्छा, मेयर बन जाएंगे जो भी हो, मेरा शहर अच्छा। मैं और असवर बस काम के दोस्त हैं, प्यार भी है लेकिन लड़ाई भी है, क्योंकि बहुत जब आप काम करते हैं ना एक साथ, जैसे आपका और इकरार का मुझे नहीं पता क्या हिसाब किताब है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा काम नहीं करते कभी कभी यार। हाँ सही, आप लोग बहुत साथ एक साथ काम करते रहे तो क्लैशेस होते हैं दुनिया भर के लोगों में, ठीक है। मानिए अगला सवाल, फिर उसके बाद असर भाई से करेंगे। शादी के बाद मोहब्बत तौबा तौबा, हाँ या ना? मोहब्बत तो मुझे होती एक ही दफा हुई है और मुझे लगता है कि आगे होगी नहीं, आवाज नहीं होगी मोहब्बत, ये सही कह रहे हैं दिल फेंक आती हां, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। मेरा मेरी मोहब्बत होती है मैड्रिड से, लिवरपूल से, मेरी मैड्रिड है पाकिस्तान वतन से, कंटेंट से, बहुत से, कराची से, हां कराची से। हीरा को, भाभी को, भाभी को इकरा अजीज, सोनिया हुसैन और उर्वा से ज्यादा बेहतर अदाकारा समझता हूं यार। हीरा को तो क्योंकि वो बहुत अच्छी है, ऐसी बात है इन सबसे, लेकिन ये है कि ये जो तीनों हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। ज्यादा अच्छा कौन है? इकरा अजीज इन सब में, अगर क्योंकि हीरा तो मेरी वाइफ है मैं तो बोलूंगा वो अच्छी है, लेकिन मैं वाइफ कौन बता, सोनिया हुसैन और उर्वा, इकरा बेहतर है शायद इन सब में, मेरा ख्याल में, मेरा अपना ओपिनियन।
आपसे सवाल था। हाँ जी असर भाई, मानी ने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा? बहुत तोड़ा शदीद, बर्बाद, हिसाब, डेडली, एक-एक दिन में दो-दो बार, कई बार। लेकिन मानी ने कभी किसी का मुंह नहीं तोड़ा, मतलब झगड़ा पड़े? नहीं, झगड़ा हुआ इसका, लेकिन ये इस तरह का बंदा नहीं था कि इसकी एक जमाने में कराची में बहुत पावर थी, अगर ये एक फोन करता तो काफी लौंडे बिल्कुल आता था, लेकिन इसने कभी इसको गलत इस्तेमाल। मेरा यानी कि अस्पर का सेंस ऑफ ह्यूमर मानी से बेहतर है? नहीं, मानी का मुझसे मानी का बेहतर है। नहीं, इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग हमारे दिमाग ही है और हम वो है। बड़ा कौन है आप दोनों में से? मैं बड़ा, एक साल। अच्छा, मतलब तकरीबन वही। मारी हिना से बॉर्डर था, मानी हिरा से बॉर्डर। हाँ, डरना तो छोटा। हर 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 शरीफ मियां को, ये दो शरीफ मियां बैठे हैं शरीफ बोल के फंस गया। नहीं नहीं, शरीफ नहीं, हर हर इखलाकी तकाजा है। आप डरते हैं? आप इज्जत इज्जत में डरना है? बीवी को इज्जत दो, वोट को इज्जत, बीवी को इज्जत, है ना, वोट को दो ना। ये सवाल वैसे इकरार से बनता है। हाँ, उसका तफसीली जवाब देगा। अच्छा, हर दफा शरीफाना तरीके से निकल जाता है। दो दफा जवाब देगा, दो दफा जवाब देगा इसका भाई। अगला राउंड खाली जगह पुर करनी है। हाँ, अच्छा, खाली जगह गुगली राउंड, अल्लाह खैर करे। अच्छा, बीमर बीमर नहीं खेलेंगे वो खेस के बाद, खाली जगहों के बाद। आज तो कानून भाई, ये ऐसा राउंड है जो हमारे मेहमान के, जो मेरे बहुत मेहमान है, उनके दिल के बहुत नजदीक है। राशिद भाई का फेवरेट राउंड है। अच्छा, इस राउंड का नाम ही राशिद लतीफ राउंड है। देखे, हमें तो डर लगा रहा था। नहीं नहीं, क्या तो आप दोनों बारी में जवाब देंगे? फिल इन द ब्लैंक भाई, बात ये कि लोग हमें डैश समझते हैं और हम हैं भी, लोग हमें खतरनाक समझते हैं और हम हैं भी, अकलमंद समझते हैं, अकलमंद हैं भी। हाँ, ओके। मानी मुझसे ज्यादा डैश है, मुझसे ज्यादा फनी है। हाँ, अस्पर मुझसे ज्यादा डैश है, अकलमंद है, तो खैर टीबू भी बहुत डैश। मासूमाना बानी एमपीएम सियासत में वापस आ गए तो डैश हो जाएगा? अब नहीं हो सकता वो स्केच, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम बैठे हुए यहाँ पे बहुत। ओए, तो पतंग कर, हमने जिंदगियां दे देनी है, क्योंकि हमने अगली जिंदगी बच्चों की अच्छी गुजारनी है, उन्होंने जो ब्लंडर मारे वो सब मुश्किल है। राशिद भाई, भाई ये तो थोड़ा सा यहाँ पर राशिद भाई, ये तो लग रहा है, ये तो है फटा, बाकी रहे ये तीसरी सीट भी रखता हूँ वहाँ पे। बताए ये मानी तो आज चला जाएगा, मुझे 22 तक है यहाँ पे। आगे बढ़ते भाई, डैश असर भाई, डैश बेहतरीन कॉमेडियन, आई थिंक उमर श्री बेहतरीन कॉमेडियन, और डैश शदीद ओवररेटेड है। मानी मानी शदीद ओवररेटेड। मानी तूने क्या घुमाया है, नाम नाम तो बहुत दिमाग में आए होंगे। डैश पर भरोसा तो कर लिया मगर फिर बड़ा पछताया। डैश पर भरोसा तो कर लिया, मेरा ख्याल कुछ और बात करते हैं। नहीं, सोच रहे ना, अब मैं चैनल का नाम ही लूंगा, लेकिन एक चैनल पर भरोसा कर लिया कि बहुत पछताया। एक निजी चैनल पे भरोसा तो कर लिया लेकिन बहुत पछताया। तीन निजी चैनल्स के साथ रहे हैं। हाँ, मेरा एक तो ये भी है। उसका नाम किस अल्फाबेट से शुरू होता है ताकि ये यहाँ अगर वाला हो तो रहने। अभी क्या कर रहा है, जिंदगी में मानी ना होता तो जिंदगी डैश होती, थोड़ी सी कम एंटरटेनिंग होती, थोड़ी सी कम होती। डैश की तारीफ तो करना चाहता हूँ मगर वो कुछ करे तो सही, खान साहब की। अच्छा अच्छा, इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए डैश होना जरूरी है, बिजनेस सेंस होना जरूरी है। जिंदगी में बेशक डैश ना हो मगर डैश तो, जिंदगी में बेशक पैसे ना हो लेकिन इज्जत तो हो, इज्जत हो आपकी। हाँ, पैसे तो आ जाते हैं बॉस, लेकिन इज्जत नहीं आती बॉस। सही, इज्जत चली आती है। ओके भाई, आखिरी सवाल भाई, एक मौका मिल जाए ना डैश करो, भाग जाऊं। इतने मौके मिल गए और जब डैश डैश कर दिया हमने। हर एक को डैश कर दिया। अच्छा, हाँ, बहुत लोग नाराज हैं हमसे यार, बहुत लोग। एक मौका और मिल जाए तो फिर डैश कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं बीमर राउंड। टैलेंट इतना है कि एजेंसियां खुद आती हैं। सही, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी अच्छा ले रहता भाई। अच्छा, अल्लाह की कसम मैं नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं। आप कंटिन्यू कर लेना, सेकंड सेकंड, एक ब्रेक लेते हैं भाई। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। पुरजोश
खुश आमदेद कहते हैं आपको। एक सवाल है एक आप लोगों से, और वो है पीएसएल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप कितने रन की और किन बैट्समैनों के दरमियान हुई है, इसका जवाब आप लिख के भेजिए AKR स्पेस जवाब और भेज दीजिए 8038 पर। विनर को कराची किंग्स की टी शर्ट से नवाजा जाएगा। हमारा अगला राउंड है सुपर ओवर। आवाज पहचानिए भैया, आवाज पहचाने किसकी है? सुना है, पहली आवाज सुना है ना, क्या है? ज्यादा तादाद में बारिश है और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है, वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। ये कौन है? मैं बारिशों का ग्रह हां, बताओ कौन है? कौन? ये हमारी गार है, ये वो है पार्टी हो रही है। नहीं नहीं, आपके ख्याल में कौन है यार? ये कोई पॉलिटिकल आंटी है बेसिकली, वो मसलन ये वो जो जो हमेशा भंड मारती हैं, मसलन जो उन्हीं की पार्टी है आशिकवान, मसलन नहीं आशिकवान नहीं, वो तो देर है देख लेना, वो तो पर्चा कटा रही थी भंड मर। आपके ख्याल में वो है और आपके ख्याल में वो आंटी दूसरी जो भंड, देखो देखो बताएं कौन है। हां यही ना, इनका नाम याद, अभी भी नाम याद नहीं आ रहा। रबानी खर, बिना रबानी खर कह रहे ना, कौन है? नहीं नहीं नहीं, इनका नाम क्या है? ये है जरताज गुल, जरताज गुल जो हमेशा भंड मारती है। अगली आवाज एक एक गिल के बाद गिल, एक गिल और गुल के दरमियान पीटीआई। अगली आवाज सुना ऐसे दस्तूर को गाना करे सुबह पे अभी चले को, ये शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ गा रहे हैं। मुझे स्टार्टिंग में लेकिन मुझे लगा कि वो भी लेटेस्ट वही गा रहे हैं आजकल। अच्छी थी ये लय, सही थी, सोच ले भाई। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हबीब जाले। अब चेक करते हैं कौन भंड है, अब देखते हैं किसने भंड मारा है। हमने भंड मारा है, मैंने भंड मारा, शौक नहीं बोलने का। माइक कब तोड़ेंगे इसकी बात यार, यानी शहबाज सर इतना अच्छा गा रहे हैं कि जालिम का शक हो रहा है। अगली आवाज सुनाएं, टाइम बताओ। सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। ये तो क्या नाम है? रईसानी, 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 नवाब असलम रईसानी है, वो जाली हो या असली। मेरे को अगली आवाज सुनाओ भाई। देर की खामोशी है, आमिर अंकल शोर आएगा तुम्हारा। नहीं नहीं वो अंकल किसी पार्टी में नहीं है, किसी पार्टी, किसी पार्टी में नहीं है ना, इस पार्टी में ना उस पार्टी में। आमिर लियाकत है वो? अरे नहीं 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 नहीं, वो छोटे क्या नाम का जो शक्कर बंदा वाले डांस भी करते हैं, शक्कर बंदा वाला डांस। उनका नाम क्या है? वो कौन है? अरे फारूक सत्तार है यार, ये फारूक सत्तार है। ये नहीं नहीं फिर से कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। फारूक सत्तार शोर आएगा, इन्होंने पहले कह दिया था। फारूक भाई पे पहले शक हुआ कि आमिर लियाकत साहब, वो सब एक ही थे वैसे एक जमाने में। वैसे हाँ या ना, गालिब फिल्म देखी आपने? मैंने नहीं देखी, उसके बाद देखी। बाय द वे गालिब फिल्म नहीं है, बता दूं मैं, आमिर भाई गलत बोल रहे थे। अच्छा, गालिब तो ड्रामा है। गुलजार साहब ओहो, वो जो बंदा था ना वो गालिब में था। अच्छा, वो जो इसके मुंह से मक्खन मक्खन मक्खन, उसके आगे गलत नहीं बोला कैसा दिया? अच्छा चलो आगे, नहीं बताया। आ गए भाई, आखिरी आवाज सुनो। सरदारी नहीं आ सकता, मरियम नवाज, मरियम आंटी, मेहमान नहीं आ सके, मरियम नवाज अभी अभी की है दस्ता में, हंसी की बात। मरियम नवाज है, मरियम नवाज है, मरियम नवाज है, खुद ही किसकी आवाज? मरियम नवाज, मरियम नवाज किसकी आवाज? मरियम नवाज। सरदारी नहीं, सही है भाई, बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया, टाइम ऐसे गुजर गया, पता ही नहीं है ना। हां भाई, कल के मैच की प्रेडिक्शन बता दें दोनों भाई प्लीज, तनवीर भाई और किसका मैच है? लाहौर मुल्तान। सर आपका मैच कौन से? जलमी कोयटा। यार अब मैं बता बता, लाहौर मुल्तान जलमी कोयटा, ऐसे थोड़ी राशिद ने मेरा क्यों कर लिया बता दें। लाहौर मुल्तान जलमी कोयटा, और प्लेयर भी बता दें। मैच नहीं नहीं, मैच कौन सा है ये तो बताएं पहले यार। वो भाई तुम बता दो मुझे कौन सा प्लेयर है, कौन से है कल टीमों का मैच भाई? लाहौर मुल्तान जलमी और मुल्तान, लाहौर मुल्तान में कौन जीतेगा? जलमी और मुल्तान, जलमी और ट्रस्टेड प्लेयर कौन हो? मेरी टीम तो लाहौर है और जलमी है। प्लेयर प्लेयर मेरा तो कामरान अकमल, हमेशा सदा का कामरान अकमल। हाफिज जाहिद, जाहिद अकमल, लाहौर का हाफिज, हाँ कामरान अकमल। ठीक है बाबा, दो प्लेयर ही बता रहे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये WP बाय हिमानी के फ्रेग्रेंसेस हैं, आपके साथ जाएंगे अक्सर, आते रहते हैं घर पे, आते रहते हैं ना, फीडबैक देते रहा करें सर, बहुत नवाजिश। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई बदतमीजी हुई हो तो माफ कीजिएगा, हुई नहीं मेरा ख्याल, नहीं हाँ, कोशिश की आपने, कोशिश की आपने, नहीं मुझे लगा कि शो का, मैंने देखा नहीं शो, बहुत तफरी है ना, बहुत मजा है। एक
खुशखबरी देना चाहते क्या सर? पांच सेकंड रह गए सर, पांच सेकंड रह गए। फाद मुस्तफा की वार्डरोब में से आज वसीम अदाबी ने जो सूट पहना उसमें वसीम अदाबी को मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत शुक्रिया आपका। चले ना कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.